तो आज आम पढ़वा पोषण खाद्यर प्रकार भेद खाद्यर प्रकार भेद माने केते प्रकार आम खाद्य थी देख खाद्यर रासायनिक गठन खाद्यर रासायनिक गठन तार कार्य और खाद्यर शक्ति प्रदान करने क्षमता उपर निर्भर कर खाद्य छ प्रकार विभक्त कराई तो से छ प्रकार खाद्य किन किन टाइम श्वेत सार पुष्टि सार स्नेह सार धातु सार विटामिन आउ जल तो आम गोटे पर गोटे समस्त कार्य रासायनिक गठन सबू देखमा कार्य शक्ति प्रदान करार क्षमता देखीगला से मैं आज पढ़मा है तो प्रथम है श्वेतसार जातीय खाद्य श्वेतसार जातीय खाद्य आम जिन मेनली खाऊ शर्करा आ मंडद जातीय खाद्य आम ग्रहण करसुँ जिनका शर्करा थी आम दुई प्रकार अच्छे जिनका सुक्रोज आ ग्लुकोज एग्जाम्पल देते हैं सुक्रोज आम कि पाएसुँ चीनी गुड़ यू आम शर्करार सुक्रोज पाएसुँ है आ ग्लुकोज फल रस पनीपरिया यू आम ग्लुकोज पाईपारसूँ तापर आसला मंडद मंडद आलू भात रुटी जिन खाऊ से मंडद आम प्रेजेंट थे तो धरने आम गोटे ग्लुकोज रम तार ग्लुकोज के देखमा ग्लुकोज रार फर्मूला कि C6H12O6 माने ग्लुकोज गोटे का अच्छे कार्बन अच्छे उज्जान अच्छे आउ अम्लजान अच्छे है तो ये अम्लजान जिते बिल श्वास्य कोशीय श्वसन है कोशीय श्वसन है जानी थो तुम से कोशीय श्वसन में ये ओटू सहित मिसिकर आम जल जल तापर शक्ति और अंगारकाम्ल तैयारी करसी है तो जल आ कार्बन डाइऑक्साइड आम जो अंगारकाम्ल अच्छे से दरकार नहीं तो से फुसफुस देके आम नाक बाटे बाहरी जाए शक्ति आमर पुणी जेन आम जैव रासायनिक प्रक्रिया आसे से व्यवहार है आउ जल आमर तो जान जल भी दरकार आमर भितरे व्यवहार कर दिखाई है तो यहाँ है तुम श्वेतसार जातीय खाद्य तो आम श्वेतसार जातीय खाद्य रु बहुत सहजरे शक्ति पाईपारसूँ है तो श्वेतसार आमको कौन दिए तार काम कौन सी आमके शक्ति जोगाए है ये खाद्य आमको शक्ति जोगाए तापर आसला पुष्टिसार पुष्टिसार आम क्यों पाऊ माछ मांस अंडार धला अंश छेना शस्य सोयाबीन यठार आम पुष्टिसार पाई पुष्टिसार कार्य कौन यह शरीर मरामती और शरीर गठन पर साय कर शरीर गठन और मरामती साय कर श्वेतसार पुष्टिसार आम जानू पुष्टिसार गोटे एकक है पुष्टिसार बहुत सारा एमिनो अम्ल नहींकर गठित धरने गोटे अम्ल ता सहित आ गोटे अम्ल मिसी थी आ गोटे अम्ल अम्ल एमिनो अम्ल धरने एमिनो अम्ल सब मिसी मिसीकर गोटे गोटे पुष्टिसार तैयारी करते तो पुष्टिसार के आम जो खाऊ से परिपाक खाद्य हजम होकर सब भांगी जीसन है भितर जेन बंड अच्छे बंड भितर जो जॉइंट अच्छे से भांगी जैसे आउ एमिनो अम्लटा सेपरेट हो अलग अलग हो जाए से एमिनो अम्लटा आम शरीर के गठन करिबारे सहाय्य करिथाय हैना तापर आसला आम स्नेहसार आम के पाऊ मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश यही आम स्नेहसार पाई स्नेहसार मुख्य काम है आम जानू कोषर झिल्ली कोषर झिल्ली हूँ लिपिड्रे तैयारी लिपिड्रे तैयारी बा स्नेहसार तैयारी तो स्नेहसार आम कोषर कोषर जेन बाह्य आवरण थाए है ये कोष कोषर जिते भी कोषर झिल्ली अच्छे बाह्य आवरण सेटा हूँ आम स्नेहसारे तैयारी है आउ गोटे स्नेहसार आम चर्मर तले एडिपोज टिश्यू से संरक्षित होकर रही थाए है दरकार जिते आवश्यक पड़े से भी शक्ति मोचन करें शक्ति दे थाए आमको तो स्नेहसार शक्ति भी दिए आउ गोटे कार्य है स्नेहसार ताप अपरिवाही ताप कुपरिवाही तेणु जिते बिल थंडा गरम मस आम थंडा मस कहीपर थंडा मस आम शरीर जो गरमटा अच्छे से बाहर को बाहर बाहर लगे नहीं दिए तो कौन हाँ से तापटा आम भितरे शरीर भितर ही रहा से लगे आमको गरम फिल हसी मैंने गरम आम अनुभव करसुँ तो से लगे मोटा मान के बेस जिन मैं टी मोटा अच्छे चर्बी जहाँ मान बेस अच्छे से मैंने गरम बहुत कम लग्सी है यहाँ है स्नेहसार कार्य तापर आसला धातुसार
ଧାତୁ ସାର ଆମର କେନ୍ କେନ୍ଟା ଲୌହ କାଲସିୟମ ଆୟୋଡିନ ଫସ୍ଫରସ ସୋଡିୟମ ଏମାନେ ବି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଶରୀରର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର କାଲସିୟମ କେ ଦେଖମା, କାଲସିୟମରେ ଆମର କେନ୍ଟା ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଏମାନେ ସବୁ କାଲସିୟମରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଲୌହ, ଲୌହ ଆମର ଯେମିତି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଛି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି, ଲୌହ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ବାବୁ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆୟୋନିକ ବାଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ଧାତୁ ସାରର ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଭିଟାମିନ। ଭିଟାମିନ ଆମର କାଣା କରସି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତିକି ବି ଆମର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ସେଥି ଏନଜାଇମ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଏନଜାଇମ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏନଜାଇମ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଏଇ ଭିଟାମିନର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅଭାବ ଥିସି, ଏନଜାଇମ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନି ହୁଏ, ତା ଦ୍ୱାରା କାଁ ହେବା, ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନି ହୁଏ। ଯଦି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ଶରୀରରେ ନି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କାଁ ହେସି, ଆମକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏସି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ହୁଏ, ହୁଏ କି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଭିଟାମିନ ଏ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧାରକଣା, ବି ଅଭାବରୁ ବେରିବେରି, ସି ଅଭାବରୁ ସ୍କର୍ବି, ଡି ଅଭାବରୁ ରିକେଟ୍ସ, ମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଟାମିନ ସବୁ ଅଭାବ ହେଲା ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ। ଆମେ ଗୋଟେ କୋଷକୁ ଦେଖିବା, କୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ କୋଷ ଜୀବକ। କୋଷ ଜୀବକର 75%ରୁ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ହିଁ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଜଳ ଯଦି ଆମେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶରୀରରେ, ଯେମିତି ପରିସ୍ରା କରିବା ବେଳେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ, ଆଉ ଝାଳ ବୋହିବା ବେଳେ ଜଳ ସବୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତ ସେ କ୍ଷୟକୁ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଦିନକୁ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା କଥା ହେଲା। ଜଳର ଅଭାବରେ ଆମକୁ ଅବଶେଷ ବା ଥକା ଥକା ଲାଗ୍ବା ୟା ଫେର୍ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବା, ସେଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଦିନ ବେଳା ଦିନକୁ 3ରୁ 4 ଲିଟର ଯାଏଁ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଏତିକିଟା ସରିଲା ତମର ଖାଦ୍ୟର ପୋଷଣ ହେଲା।